सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के केंद्रीय और अन्य दल के नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे पर कहा कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए सब आएंगे, लेकिन बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व के सहारे कर्नाटक में चुनाव लड़ा था, वैसा ही छत्तीसगढ़ में भी होगा। केंद्र सरकार के डिजिटल आर्थिक सर्वेक्षण और जनगणना पर सीएम बघेल ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण हो। उन्होंने कहा कि जब तक डाटा नहीं होगा तब तक कैसे सबको हक मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ना सिर्फ रेलवे स्टेशन को चमकाने का काम किया है, मतलब कुल मिला के एक ही जनगणना नहीं होगी, दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, योजनाएं बनेगी कैसे। भाई खड़गे जी, राहुल जी लगातार ये मांग कर रहे हैं, दूसरे विपक्षी दल के लोग मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इन 75 सालों में जहां हम लोग पहुंचे हैं, ऐसे चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, अपर क्लास के लोग हो, माइनॉरिटी हो, उसमें बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो पिछड़ गई है। तो जब तक के उसका सामाजिक सर्वेक्षण नहीं होगा, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा कि अपर क्लास में भी देखें बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में तो आते हैं लेकिन उनके आर्थिक स्थिति उसमें कोई बदलाव नहीं आया बल्कि कमज़ोर हो गया है। SC में, ST में देखेंगे, OBC में देखेंगे, बहुत सारी जातियां हैं जो उसका लाभ नहीं ले पा रहे, वंचित हैं। तो आपके पास यदि डाटा होगा, घर घर जब तक कि नहीं जाएंगे तब तक कि आप जानकारी कैसे इकट्ठा कर पाएंगे, और जब आपके पास जो जानकारी नहीं होगी तो योजना किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं तो TMC उसके जवाब देने के लिए वो सक्षम है, और जहाँ तक के बालासोर जो दुर्घटना हुई है बेहद दुर्भाग्यजनक है, जो रेल मंत्री ये कहे कि 1 किलोमीटर पहले से जानकारी हो जाएगी यदि कोई दूसरे तरफ से ट्रेन आ रही है, कवच तो छिन्न भिन्न हो गया, और इसमें 300 लोगों की जाने चली गई, 900 से अधिक लोग घायल हुए, और अभी तक के वो कवच अभी CBI जांच कर रही है, तो कवच के बारे में भी जांच करेंगे क्या, उस जांच के बिंदु में ये भी शामिल है कि नहीं है। बस्तर गया था तो वहाँ कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उसके बाद जब यहाँ आए तो पता चला गृह मंत्री जी आने वाले हैं, और आप बता रहे हैं कि नड्डा जी आने वाले हैं। भाई चुनाव नज़दीक है तो आएंगे ही, हैं, और चुनाव है ना भाई, सब आएंगे। तो 4 महीने अभी घूमेंगे छत्तीसगढ़, जो बदले हुए छत्तीसगढ़ है उसको देखेंगे कि 4.5 सालों में जो हमने काम किया है किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, आदिवासियों के, महिलाओं, युवाओं के हित में जो काम किया है उसको देखें।